नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लाउड किचन क्यों फ्लॉप हो जाते हैं, क्यों बंद हो जाते हैं। यहां पे जो जेन्युइन रीजंस हैं, चार जेन्युइन रीजंस हैं, उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। चारों चीज़ों को मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा मैं नीचे व्हाट्सअप का ग्रुप आप लोगों को दे रहा हूं, वहां पे उसको आप ज्वाइन कर सकते हो और आपकी जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको आप वहाँ पे मैसेज के द्वारा लिख के भेज सकते हो। मैं वीक में एक या दो दिन कोई भी दिन अलाउ कर दूंगा, मैसेज पहले डाल दूंगा ताकि आप वो जो आपकी जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उनको वहाँ पे लिख पाओ और मैं उनके ऊपर वीडियो बना पाऊँ या सारे क्वेश्चंस को लेके मैं वीक में एक बार सब क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पे दे पाऊँ। दूसरा, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मेरे चैनल पे आप जाके देखिएगा क्लाउड किचन की प्लेलिस्ट है। लगभग 200 से भी ज़्यादा क्लाउड किचन और बाकी जो फूड बिजनेस है, रेस्टोरेंट है, फूड ट्रक है, उनके की भी ऊपर आपको काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। साथ साथ मेरे पर्सनल कोचिंग के प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कि मैं पर्सनली और मेरी टीम वाले आप लोगों को ये चीज़ें सिखाते हैं। और जो भी आप चैनल पे देख रहे हैं ये सिर्फ जस्ट 2% आप बोल सकते हैं, ये सिर्फ 2% है जब आप हमसे पर्सनली कनेक्ट होते हैं, हमसे सारी चीज़ें पर्सनली सीखते हैं, तो आप कितना ज़्यादा और यहाँ पे नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे फिर से वापस आते हैं। जो सबसे पहला यहाँ पे रीज़न होता है फेलियर का या फ्लॉप होने का हमारे क्लाउड किचन या कोई भी फूड बिजनेस बोल सकते हैं, तो वो होता है हमारा कॉपीकैट, कि हम किसी की कॉपी कर रहे हों। मान लीजिए आपने किसी एक फ्रेंड को देखा जिसका एक क्लाउड किचन अच्छा चल रहा है, आपको लगता है अच्छा चल रहा है पर अंदर की बात मालूम नहीं है वो अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, और आपको लगता है कि जो ये काम कर रहा है मैं भी कर सकता हूँ, मैं इसको ईजिली कॉपी कर सकता हूँ। या दूसरा, आप किसी को यूट्यूब पे किसी के चैनल पे देखते हैं कि भाई इसने 3 महीने में 10 लाख रुपए कमा लिए, 0 से 1 करोड़ रुपए कमा लिए या इसी प्रकार की वीडियो, और आपको लगता है कि भाई इसने जो किया वो मैं भी कर सकता हूँ, और आप कॉपी कैटिंग करने लग जाते हो या उनको कॉपी करने लग जाते हो। आपके पास खुद का आपका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है, आप जस्ट किसी की कॉपी कर रही होती है। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न होता है फेलियर का और जो कि एकदम जेन्युइन बात है। दूसरा, यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि इट्स अ लो कॉस्ट मॉडल, ये बहुत कम लो कॉस्ट मॉडल है और एक कुक्स को हायर करना या मैं घर से स्टार्ट कर लूँगा, पर एक्चुअल में देखा जाए तो जब आप सिंगल ब्रांड पे चलाते हैं तो हो सकता है कि वो लो बजट हो, पर सिंगल ब्रांड से अगर आप क्लाउड किचन चला रहे हैं तो आपका काम नहीं चलने वाला होता है, आपको मल्टी ब्रांड वहाँ पे ऐड करने ही होते हैं, और जैसे जैसे आप मल्टी ब्रांड ऐड करते जाते हैं तो आपकी जो बाकी की जो कॉस्टिंग्स है वो भी बढ़ने लग जाती हैं। तो जो एक मिथ था आज तक, हम सब सोचते थे ये लो कॉस्ट हमारा जो बिज़नेस है, पर वो अब लो कॉस्ट नहीं रह गया है क्योंकि इसमें ज़ोमैटो का जो आप कमीशन बोलिए वो इतना ज़्यादा हो गया, पैकेजिंग का जो मटेरियल आता है वो महंगा हो गया, इवन आप तो रॉ मटेरियल के जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी बढ़ गई है। तो ये अब किसी भी प्रकार का लो कॉस्ट बिजनेस आप नहीं कह सकते। अगर आप चाहते हैं कि भाई दिन में 1000 या 2000 के ऑर्डर आ जाएँ तो आप इसको घर से चला सकते हैं, लो कॉस्ट बोल सकते हैं, पर अब जनरली बोला जाए तो ये किसी भी प्रकार का लो कॉस्ट मॉडल नहीं रह गया है। तो ये भी हम लोगों के दिमाग में एक मिथ होता है और हम लोग सोचते हैं कि ये बड़ा ईजी है। तीसरा यहाँ पर आता है हमारी टीम का, टीम के अंदर हमारे 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, एक आ जाता है सोशलिज्म और दूसरा आ जाता है हमारे पीपल स्किल। सोशलिज्म का मतलब है कि अगर आप लोगों से सोशल होना नहीं जानते, आपको लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, आप लोगों की बातों का प्रॉपरली जवाब नहीं दे सकते तो ये बिज़नेस आपके लिए नहीं होता है। क्योंकि आप जब भी आपके पास से कोई खाना ऑर्डर करेगा वो आपको कमेंट देगा, फीडबैक देगा, और कभी कभी इस प्रकार के इतने बेकार फीडबैक्स होते हैं जो कि हमारे दिल को चुभ जाते हैं और इससे हम खुद ही इतने हर्ट हो जाते हैं या अपने हम फिर उसके बाद अपनी जो प्रेशर निकालने के लिए, अपने सरदर्दी कम करने के लिए हम अपनी टीम के ऊपर जाके पूरे भड़कते हैं और यही सारी चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पे जो सोशलिज्म है वो आपको आना चाहिए, किस तरीके से लोगों से हैंडल करना है। दूसरा, यहाँ पे पीपल स्किल आ जाते हैं, आपकी टीम के अंदर जितने भी लोग हैं उनसे कैसे काम करवाना है, चाहे आपके कुक्स हैं, आपके शेफ़ हैं, आपके मैनेजर हैं, यूटिलिटी वाले हैं, तो आपको उनके साथ एज अ टीम के साथ काम करना आना चाहिए। आपको, अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, आपकी टीम, जब भी हम कहीं कंपनी में काम करते हैं आपकी टीम बोल सकते हैं कि 90% आप लोगों का साथ नहीं देती है, पर तब भी आप लोगों को किसी ना किसी तरीके से उनसे अपना काम निकलवाना होता है, उनसे अपना काम करवाना होता है। तो यहाँ पर टीम वर्क और जो सोशलिज्म है यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ता है, और ये भी एक आप बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस समय अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, क्योंकि टीम मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको यहाँ पे टीम मिलने में मुश्किल हो रही है तो मेरा जो प्लेटफॉर्म है डिजिटल शेफ हब, उसको आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक नीचे मिल जाएगा। वहाँ पे जॉब के सेक्शन में आप एज अ एम्प्लॉयर आपकी जो वैकेंसीज है वहाँ पे डाल सकते हैं,
आपकी जो पहली वैकेंसीज होगी वो अभी फ्री है, आप पोस्ट डाल सकते हैं, उसके बाद आपको चार्जेस पे करने होंगे। तो आप वो विजिट कीजिएगा और वहाँ से आपकी जो हायरिंग है वो हो सकती है, क्योंकि चैनल काफ़ी लोग देखते हैं। इवन जो भी वहाँ पे हायरिंग होती है मैं अपने व्हाट्सअप पे और बाकी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी मैं ज़रूर शेयर करता हूँ। सबसे जो लास्ट है और चौथा पार्ट आता है वो आता है हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का। हम लोग मार्केटिंग स्ट्रेटजी अगर हम लोग बनाते हैं तो चाहे या तो हम लोग सिर्फ ऑनलाइन की सोचने लग जाते हैं, स्विगी जोमेटो पर ऐड चलाने लग जाते हैं, फेसबुक में ऐड आप लोग चलाने लग जाते हैं, या इंस्टाग्राम पर ऐड चलाने लग जाते हैं, या फिर कम्प्लीटली हम किसी प्रकार की ऐड नहीं चलाते हैं और हम लोग सिर्फ जो पैम्पलेट्स बांटना हो गया, या आप बोल सकते हैं लोगों को फ्री गिफ्ट्स देने हो गए, फ्री मील्स देने हो गए, ब्लॉगर्स के हो गए, इस तरीके की चीज़ें अपनाने लग जाते हैं। तो यहाँ पर हमको इन दोनों का बैलेंस बना के रखना पड़ता है। आपको हर कुछ ट्राई करना पड़ेगा, पर आपको ये देखना होगा कि कहाँ पे कितना पैसा लगाना है। आपको ये ना हो कि आप या फिर आप कम्प्लीटली ऑनलाइन करने लग गए या कम्प्लीटली ऑफलाइन मार्केटिंग पे आप करने लग गए। तो यहाँ पे आपको बैलेंस बनाना ज़रूरी है। तो ये चार पॉइंट हैं जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आप किसी भी एक फूड बिज़नेस स्पेशली क्लाउड किचन को रन करने की सोच रहे हो। कॉपीकैट बिल्कुल नहीं करना है किसी दूसरे या तीसरे को देख के कि भाई वो कर लेता मैं कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। इन चारों पॉइंट्स को आप ध्यान से समझिएगा और जैसे कि मैंने बताया आप मेरे पर्सनल जो प्रोग्राम्स है वो भी ले सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर भी नीचे मिल जाएगा, ग्रुप भी आपको नीचे मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको 2% नॉलेज दे रहा हूँ, वहाँ पे फिर आप बोल सकते हैं कि 98% जो भी पर्सनली मुझसे मेरी टीम से इंटरेक्ट होते हैं उन वहाँ पे आपको उतना नॉलेज मिलेगा। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स हो मुझे नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।